ये वाला तैयार होके मरेगा 1200 रुपये का, अगर खाली मट्टी मट्टी का लोगे 100 रुपये का, ये घर में यूज करो ये 200 रुपये का, मात्र 200 रुपये का रहने मात्र 200 रुपये, या शादियों के लिए मात्र 350 रुपये, सिर्फ 350 रुपये पर। हाँ जी, ये होटलों के लिए 400 रुपये दिया, 400 रुपये में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राधिका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फैशन वर्ल्ड। आज हम आ गए हैं तंदूर के मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पर आपको बहुत सारे तंदूर मिलने वाले हैं, छोटे से लेके बड़े तंदूर मिलने वाले हैं, बहुत सारे प्राइजेस रहने वाले हैं, बहुत कम कीमत में आपको यहाँ पे तंदूर मिलने वाले हैं। मिलते हैं सर से, सर का नाम है बनाला। सर कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बढ़िया। सर आज आप क्या दिखाने वाले हैं? आज हम दिखाने वाले हैं आपको तंदूर जिसमें अपने घर में यूज करो या अपने दुकानों में लगाओ या खरीद के बेचो। जी, स्टार्टिंग कहाँ से रहने वाली है? स्टार्टिंग हमारी 200 रुपये से स्टार्ट है जी। ये घर में भी यूज करो, छोटे मोटे काम में भी काम आएगा इसमें। ये अपने पर्सनल घर के लिए है, जैसे कि अपने छोटे रोटी, दो चार बंदे अपने घर में बैठ के खाना है। और ये बड़े और छोटे तंदूर इसमें क्या प्राइजेस में क्या प्राइस रहने वाले हैं इनके भी? बड़े तंदूर का क्या प्राइस? ये 200 का है, ये 350 का है, ये 400 का है, इससे भी और बड़े बड़े तंदूर हैं। जैसे कि अगर कोई अपना छोटा सा व्यवसाय चालू करना चाहता है तो फिर वो कितने से स्टार्टिंग कर सकता है, यहाँ से ऑर्डर कितने से बुक कर सकता है? जैसे कि अपना लोकल बंदा है, लोकल आसपास में काम चालू करना चाहता है तो 10 से 20 हज़ार रुपये में उसका काम चालू हो जाएगा। जो भी 10-20 हज़ार लगाएगा तो 40 हज़ार रुपये कमाएगा भी, मतलब मार्जिन बहुत अच्छा रहने वाला है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, डबल, हमारे से ज्यादा डबल वो कमाएंगे। आप तंदूर खुद बनाते हैं, किस तरीके से तंदूर बनता है वो हमारे फॉलोअर्स को बताएं? बिल्कुल बताएंगे, अभी देखिए आप आइए, क्योंकि हम खुद भी बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले शुरू काम ये मट्टी छानने का होता है, ये बारीक बारीक अलग होगी, मोटी मोटी अलग होगी। अब इधर आइए, ये देखो इसमें पानी पड़ गया है, ये गीली हो रही है, इसमें और भी आइटम पड़ेगा मट्टी पानी पीने के बाद, आगे उसके और काम होने हैं। पहले इधर खुदेगी एक बार, इधर इधर बनती है एक बार, फिर दोबारा उधर बनेगी, अभी दोबारा बन रही है इधर, इसके बाद अपनी ये खुदाई आ जाती है इधर खुदाई। सर इसके बाद क्या होता है? देखिए अब ये आ गया यहाँ पर आइटम, अब ये इसकी गुलाई करेंगे। गुलाई के लिए हमने ये निशान लगा रखे हैं, देखिए आप जरा गौर से, ये गुलाई के निशान लगा रखे हैं जिससे कि हमारा तंदूर छोटा बड़ा नहीं हो सके, साइज के तौर पर बना रहे। जैसे कि सर देखिए आप, पहले घोरा डाला जाता है, घेरा डाला जाता है, उसके बाद ठुकाई हो रही है। ये नहीं कि 1-2 फीट डाल लिए अपना काम कर रहे हैं, ये 100-100 फीस पड़े रहते हैं हमारे पास, 100-100 बनते हैं, 100-100 एक साथ जाते हैं। ठुकाई देखिए कैसी ठुकाई हो रही है, मजबूत आई इसकी, अब देखो ये चिकना भी करा जाएगा इसमें। गुलाई सारी चीज गुलाई है, नाप के सारे बाकायदा तंदूर तैयार होता है यहाँ पर। जैसे अभी हमारी ठुकाई हो रही थी, ठुकाई होने के बाद इसमें दोबारा मट्टी लगाई जा रही है, जो कि इसके चार हिस्सों में पूरा होता है, चार हिस्सों में बनता है ये। अब इसके बाद ये इसमें थोड़ा टेट होने का, सूखने के बाद इस पर एक और लगाई जाएगी। मजबूत आई, साफ सफाई देखिए कितनी फिनिशिंग बढ़िया आई थी। सही, कितने टाइम में तैयार हो जाता है एक तंदूर? अभी तो टाइम लग रहा है, अभी कम से कम 5 से 6 दिन में तैयार हो रहा है। अभी मौसम भी ऐसे ख़राब चल रहा है, मौसम ठीक होता है तो हमारे 3 से 4 दिन में तैयार हो जाता है। ये बहुत मेहनत का काम रहता है। हाँ जी, हाँ जी, मेहनत तो है ही, बिना मेहनत के है क्या जी। तो गाइस आपने देखा कि यहाँ पे तंदूर खुद तैयार होते हैं, जैसा चाहे वैसा आप तंदूर बनवा सकते हैं यहाँ पर आकर के। छोटा आप चाहते हैं या फिर बड़ा चाहते हैं, आप जैसा भी चाहते हैं वैसा आप ऑर्डर दे सकते हैं सर को आकर के। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये सारा का सारा होलसेल में रहता है? होलसेल में। सर इसके बाद क्या रहता है? देखिए उसके बाद ये हमारा तंदूर अभी ये तैयार हुआ है, अब इसकी एक बार ठुकाई और होनी है, ठुकाई होने के बाद इसका मुंह बनेगा, गुलाई मुंह बनेगा, फिर ये तैयार होने के बाद सूखेगा, सूखने के बाद फिर तैयार होकर हमारे गोदाम में शिफ्ट होगा। वहाँ से गोदाम, गोदाम में शिफ्ट होने के बाद अपने इधर उधर माल, जैसे भी कस्टमर का कॉल आता है वैसे ही माल सप्लाई होता है। पर बाकी देखिए अभी माल अपना पड़ा है यहाँ पर,
कुछ थोड़ा बहुत। अगर सर कोई घर में अपना मंगाना चाहता है तंदूर, तो फिर क्या रहने वाला है, क्या प्राइस रहने वाला है और कैसे वो मंगा सकता है, मतलब ऑर्डर भी कितना दे सकता है वो अपने घर में बैठ करके? अपना जमीन जब एक फीस चाहिए, दो फीस चाहिए, आप मंगा सकते हो जी। और प्राइस क्या रहने वाला है? प्राइस हमारा सबसे छोटा छोटा ये कच्चा ये वाला तैयार होके पड़ेगा 1200 रुपये का, अगर खाली मट्टी मट्टी का लोगे 100 रुपये का जी। ये रहा, ये घर में यूज करो, ये 200 रुपये का, मात्र 200 रुपये का, मात्र 200 रुपये जी। ब्याह शादियों के लिए मात्र 350 रुपये, सिर्फ 350 रुपये का रहने वाला है। 350 रुपये यहाँ पर। हाँ जी, ये होटलों के लिए है, ये बड़े-बड़े होटल, बड़े-बड़े रेस्टोरेंट। 400 रुपये दिया, 400 रुपये में, 400 रुपये इसके प्राइस रहने वाले हैं। लोकेशन क्या रहने वाली है? लोकेशन अपनी दिल्ली गाजियाबाद। और अगर कोई जैसे ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता है जी, तो फिर ऑनलाइन पेमेंट हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, ऑनलाइन पेमेंट डालो, ऑनलाइन माल मंगाओ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसपोर्ट द्वारा आपका माल पहुंच जाएगा। ट्रांसपोर्ट चार्ज क्या रहने वाला है सर? वो तो अपना जैसा कि जहां से भी बंदा माल मंगाएगा, ऑर्डर करेगा, उस हिसाब से चार्ज लगता है। देखिए सर, अभी देखो, अभी ये माल थोड़ा बहुत माल है जितना भी है, अभी थोड़ा कम पड़ रहा है, ये बाहर सारा माल कलकत्ता जाएगा हमारा, और तैयार कर रहे हैं, जिस साइज का माल मांगते हैं उस साइज का माल बना देना पड़ता है हमें, 100 पीस 1000 पीस अपने अपना हमारा ऑर्डर पर तैयार बनता है, तैयार होता है हमारा। तो गाइस आपने देखा, यहाँ बालाजी मैन्युफैक्चरिंग पे आपको बहुत सारे तंदूर की वैरायटी देखने को मिली है, बहुत सारे आइटम मिले हैं और बहुत कम ही कीमत में आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं ये होटल के। और इसके क्या प्राइस रहने वाले हैं? इसका सिर्फ 2300 रुपये, 2300 रुपये में सिर्फ मिलने वाला है यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी जी। और सर, और आगे क्या रहने वाला है? ये जैसे कि अपने बड़े बड़े रेस्टोरेंट में लोहे की स्टील में ड्रामों में ये सेट होते हैं जी, ये मात्र 600 रुपये का, 600 रुपये में रहने वाला है। हमसे सस्ता नहीं दे सकता कोई,